हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा. नाउ इट्स मी मस्ट साइनिंग इन अर्चना शर्मा. आप पढ़ रहे हैं लर्न विद कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है. और हमारा कोर्स 2 चल रहा था, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन. हम उसी के टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर दिए हैं. होपफुली आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए. चलिए, जो हमने प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया था डाइवर्सिटी, है ना, डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है, डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और उसका इंट्रोडक्शन क्या था. तो काफी बात की थी हमने डाइवर्सिटी में. आई होप आपको डाइवर्सिटी या विविधता क्लियर हो गया होगा. चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता के प्रकार पढ़ने की कोशिश करते हैं. और ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, हर एग्जाम के पर्पज से और बीएड के पर्पज से तो ये है ही. तो आज का जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता के प्रकार. आपको पता है कि भारत में विविधता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है ना, और इसी के आधार पे हर तरह हर चीज में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. तो देखिए, मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रखा है टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी में. तो यहाँ पे 1 2 3 करके डिस्कस करते हैं और मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल आपको यहाँ पे ओरली बता दूंगी कि हम किस किस माध्यम में किस किस तरीके से डिफरेंट है. तो देखिए, हमारा जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, सेंटर में मैंने लिख रखा है टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी. तो सबसे पहले डाइवर्सिटी हमें कहाँ देखने को मिलेगा, हमारे कल्चर में, यानी कि हमारी सांस्कृतिक विविधता, यानी कि हम संस्कृति पे भी विविध होंगे, ठीक. नेक्स्ट है हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, या इसको हम बोल सकते हैं भाषाई विविधता, यानी कि लैंग्वेज के तौर पर. इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, पहले 1 2 3 करके पढ़ लें. सबसे पहला हमारा कल्चरल हो गया, ठीक है, आप नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. जैसे सबसे पहला हो गया हमारा कल्चरल, नंबर 2 हो गया हमारा लिंग्विस्टिक या भाषाई, और नंबर 3 हमारा हो गया कास्ट डाइवर्सिटी. कास्ट डाइवर्सिटी इन द जातीय विविधता, यानी कि हम जाति में भी दूसरे से डिफरेंट हैं. इसके बाद हमारा है ट्राइब्स. तो ट्राइब्स का मतलब आपको पता है जनजाति, तो जनजाति विविधता हो गया. नेक्स्ट है हमारा बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैविक विविधता, ये नंबर 5 हो गया, ठीक. नेक्स्ट है हमारा सोशल डाइवर्सिटी, यानी कि सामाजिक डाइवर्सिटी, या इसको हम बोल सकते हैं सामाजिक विविधता. और उसके नेक्स्ट है हमारा रेशियल डाइवर्सिटी. रेशियल डाइवर्सिटी का मतलब भी कहीं ना कहीं हमारा जनजाति से ही रिलेटेड है, रेसियस रिलेटेड है जिसको हम बोलते हैं, ठीक. इसके बाद है हमारा रिलीजियस, यानी कि धार्मिक डाइवर्सिटी या धार्मिक विविधता. तो ये टोटल मोटे मोटे 7 हैं, ठीक है. पहला कल्चरल है, दूसरा लिंग्विस्टिक है, तीसरा कास्ट है, चौथा ट्राइब है, फिर बायोडाइवर्सिटी है, फिर सोशल डाइवर्सिटी है, देन रेशियल डाइवर्सिटी है, इसके बाद रिलीजियस डाइवर्सिटी है, ठीक है. तो ये सारे क्या है, टाइप्स हैं डाइवर्सिटी के. तो चलिए, 1 बाय 1 टाइप्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. तो देखिए, पहला टाइप जो दे रखा है कल्चरल डाइवर्सिटी. तो कल्चरल डाइवर्सिटी में आपको मैंने बताया कि इंडिया क्या है, मल्टी कल्चरल कंट्री, यानी कि यहाँ पे जो कल्चर है इंडिया में वो क्या है, मल्टी कल्चरल. कहीं ना कहीं इंडिया मल्टी कल्चरल कंट्री है और यहाँ पे हर तरह के लोग क्या है, रहते हैं, ठीक है. और जहाँ के लोगों में विभिन्न तरह का रहन सहन होगा, खाना पीना होगा, फिर विभिन्न जाति के लोग भी होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनका कल्चर भी अलग होगा, यानी कि बहुत सारे कल्चर के लोग रहेंगे, ठीक है. उसमें धर्म भी, बहुत सारे धर्म के लोग भी रहेंगे. गाँव का धर्म अलग हो गया, शहर वाले लोगों का धर्म अलग हो गया, गांव में जो लोग रहते हैं उनका अपना लाइफ जीने का तरीका अलग होता है, हम ये भी बात कर सकते हैं, है ना. उनकी अपनी संस्कृति अलग होती है, और जो शहर में रहते हैं उनकी अपनी संस्कृति अलग होती है, ठीक है. उसी के बाद हम बात कर सकते हैं अपने क्लोथिंग्स वगैरह में भी, ठीक है. क्लोथ्स वगैरह की किसी संस्कृति में किसी को क्लोथ्स अपनी तरीके से पहनते हैं लोग, लोगों की वेशभूषा डिफरेंट होती है, डांस डिफरेंट होता है ना. कहीं ना कहीं जैसे फोक डांस होता है तो वो भी क्या है, वो लोकगीत है, फोक डांस हो गया. तो ये सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से विभिन्न है. और जो मैरिज सेरेमनी होती है वो भी कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के हिसाब से ही होती है, कि हम जिस कल्चर में पैदा होते हैं उसी के हिसाब से ही सारी चीजें होती हैं. तो इतनी सारी चीजें डिफरेंट हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रहते हैं. और इसको सांस्कृतिक विविधता जो होती है किसी भी समाज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितनी हमारी खुद की कल्चर होती है और खुद की लाइफ होती है. तो ये तो था कल्चरल डाइवर्सिटी. मल्टी कल्चरल है इंडिया और यहाँ पे हर तरह की संस्कृति के लोग रहते हैं. नेक्स्ट है हमारे लिंग्विस्टिक. लिंग्विस्टिक का मतलब आपको पता है भाषा. तो आपको ये भी पता है कि यहाँ पे बहुत सारे भाषा के लोग रहते हैं, ठीक है. जैसे भाषा बोली जाती, कम से कम अगर करंट टाइम में इंडिया में देखा जाए तो 1652 लैंग्वेज है. ये नंबर आप याद रख सकते हैं, 1652 लैंग्वेज जो
और ये भी देखा जाए तो जो मैं ये बता रही हूँ ये आपके ये 1991 से है, और अभी के टाइम में तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं इंडिया में। ये 1991 का सर्वे था, उसके हिसाब से 1652 भाषाएं बोली जाती थी, और जो लैंग्वेज वाला कंटेंट है ये भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 8th अनुसूची में रखा गया है, 8th आर्टिकल में रखा गया है, ठीक है, 8th अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं, 8वीं अनुसूची में रखा गया है लैंग्वेज, भाषा से रिलेटेड जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसी में लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। लिंग्विस्टिक का मतलब ही लैंग्वेज हो गया है ना, लिंग्विस्टिक का मतलब ही लैंग्वेज हो गया, तो ये लैंग्वेज, ठीक है। तो बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती है आपको पता है, और भारतीय संविधान में केवल जो 15 लैंग्वेज है जो जिनके बारे में हम बात करते हैं, इसके बाद और भी बहुत सारी लैंग्वेज है जिनको टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है। इसके अलावा इस समय देखा जाए तो अगर हम ऑफिस वगैरह की बात करते हैं तो 18 भाषाएं हैं, 18 लैंग्वेज जहाँ हम यूज करते हैं। फिर अगर करंट की बात दी जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो मिल गई है लैंग्वेज को वो हमारी 22 लैंग्वेज है, ठीक है, 22 लैंग्वेज है जिनको हम अपने संविधान में देखते हैं और इनको मान्यता मिली हुई है। तो इसमें बहुत सारी हैं, जैसे हिंदी होगी, अवधी होगी, भलोई होगी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली, छत्तीसगढ़ का अलग हो गया है ना, मालवी, निमाड़ी, पहाड़ी, राजस्थानी, ये सब बहुत सारी भाषाएं हैं जो अलग अलग होते हैं और अलग अलग भाषा है और ये अलग अलग प्रांत के लोग हैं, लेकिन ये सारी भाषाएं क्या हैं यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलेंगी आपकी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लोग रहते हैं आकर, ठीक है। तो ये हुआ क्या हुआ लैंग्वेज, उसमें पंजाबी हो गई, सिंधी हो गई, मतलब आप समझ सकते हैं कि हम लोग मैक्सिमम अगर देखा जाए तो क्या है, हम हिंदी बोलते हैं, फिर बिहार बिहार के लोग बिहारी बोलते हैं, पंजाब के लोग पंजाबी बोलेंगे, सिंधी वाले सिंधी बोलेंगे, असमिया हो गया, राजस्थानी लैंग्वेज अलग है, गुजराती होगी, मराठी होगी, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं भाषा का डिवीजन है। उड़ीसा की बात कर सकते हैं तो उड़ीसा में क्या उड़िया बोली जाती है, कश्मीर के लोग डोगरी भाषा का यूज करते हैं, तो ये सब अलग अलग है ना। इसके बाद नेक्स्ट है कास्ट डाइवर्सिटी, जातीय विविधता। जातीय विविधता की अगर हम बात करते हैं तो जाति के हिसाब से आपको पता है जनरल कास्ट अलग हो गया, इसके बाद है ना, और जनरल कास्ट के अलावा आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात कर सकते हैं कि हिंदू का अलग हो गया लैंग्वेज है ना, और हिंदू का अलग हुआ, मुस्लिम का लैंग्वेज अलग हुआ, ठीक। इसके बाद हमारा मुस्लिम कास्ट अलग हुआ, सिख अलग हुआ, ईसाई अलग हुआ, तो ये सब सारे क्या है, कास्ट डिवीजन है, और जितने भी धार्मिक के समूह हैं उसके हिसाब से बात करती है कास्ट वाली चीजें, यानी कि जाति। नेक्स्ट है हमारा ट्राइब, ट्राइब का मतलब क्या हुआ, हमारा जनजाति, यानी जनजाति आपको पता है कि बहुत कम है इनका नंबर हमारे भारत में, ठीक है। और अगर इसी चीज को अगर देखते हैं हम, अगर हम कास्ट में ही बात कर सकते हैं तो आपको पता है कि कास्ट में हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सबका क्या है, अलग अलग कहीं ना कहीं मोटो है, और हर धर्म क्या करता है, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है और अपने अपने धर्म को सुनने की कोशिश करता है, और जिसमें सबसे ज्यादा फेमस जो है हमारा हिंदू धर्म है। तो हिंदू धर्म का कल्चर आप जानते हैं, सुबह उठना है, पूजा पाठ करना है, भगवान जी का नाम लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और हर हर मतलब जाति का अलग अलग जो होते हैं क्या कहते हैं उसको, आप कुल गुरु बोल सकते हैं या कुल देवता बोल सकते हैं, है ना, सबका अलग अलग होता है। जैसे हिंदू धर्म में क्या करते हैं, कुछ लोग शंकर जी की पूजा करते हैं, ब्राह्मण लोग, इसके बाद कुछ लोग विष्णु जी की भी पूजा करते हैं, कुछ लोग माता जी की भी पूजा करते हैं, देवी जिनको बोलते हैं, तो इस तरह के वेरिएशंस देखने को मिलेंगे आपको कास्ट डाइवर्सिटी में। नेक्स्ट है हमारा ट्राइब, ट्राइब यानी कि ट्राइब का मतलब यहाँ पे हो गया जनजाति। जनजाति का मतलब होता है कि ये तो आपको पता है कि जनजाति हमारी सभ्यता में बहुत पीछे है, ट्राइब का मतलब इनको आप समझ सकते हैं माइनॉरिटी सेक्शन में भी आ गए हैं, कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के सेक्शन में आ गए, जिनको मतलब ना तो हम बहुत ज्यादा जानते हैं ना ये डेवलप बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन फिर भी ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और अगर 1991 के हिसाब से देखा जाए तो इनका जो रेशियो है वो, अगर 1991 का जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से जो इनका रेशियो 6.78% है, तो आप समझ सकते हैं बहुत कम है, लेकिन हाँ इनके लिए भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन की बात कर रखी है, इतने करोड़ लोग हैं, ठीक है, इतने करोड़ जनजाति के लोग जो है वो भारत में है, ठीक है, करोड़, तो इतने परसेंट लोग जो हैं वो क्या है 99 के हिसाब से इतने करोड़ जनजाति लोग भारत में निवास करते हैं ना, और इनमें से कुछ जनजाति ऐसी होती हैं जिनकी जिनको मतलब कोई फैसिलिटी नहीं मिली हुई है और सुख सुविधाओं से वंचित हैं, इसलिए इनको डिप्राइव्ड सेक्शन में भी डालते हैं, वीकर सेक्शन में भी डालते हैं, और इनकी एक स्पेसिफिक क्या होती है, कल्चर होता है, इनका कल्चर भी कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक कल्चर होता है जिसको ये अडॉप्ट करते हैं,
ठीक है, और रहन सहन, खाना पीना, रीति रिवाज, लैंग्वेज, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। और भारतीय संविधान में इनकी संख्या देखी जाए तो 216 है। तो मतलब इतने लोग के रहते हैं, चाहे इसमें आप संथला की बात कर लीजिए, आप मुंडा की बात कर लीजिए, फिर इसके बाद कोया होगा, तो ये सारे नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। उत्तर पूर्वी हिमालय में ये लोग रहते थे और यही सारी जनजातियां थी, और इनका जो जीवन है बिल्कुल गारो, खासी, नागा, पहले गुज्जर, उज्जर, ये सब गुज्जर तो आज की डेट में भी है, माइनॉरिटीज में है, तो इसके बारे में भी बात की जा सकती है। तो ये ट्राइब पीपुल है जो बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं जैविक विविधता। तो आपको पता है कि जैविक आधार पे जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, है ना, एनिमल भी आ गया, उसमें प्लांट भी आ गया, तो ये डाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगी, इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी में क्या हो गया, प्लांट प्लांट किंगडम भी आ गया और एनिमल किंगडम भी आ गया, है ना, ठीक है, और ह्यूमन भी आ गया। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं मिलके एक डाइवर्सिटी है। सबका अलग अलग रिप्रोडक्शन होता है, सबका अलग अलग न्यूट्रिशन होता है, सबका अलग अलग प्लान है ना। तो ये सारी चीजें होने के बाद भी क्या है, इसको हम बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये बायो में रहेगा तो इसमें हम प्राणी का अध्ययन कर सकते हैं, जीव जंतु के कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना, कहाँ से अपना खाना लेते हैं और किस पर डिपेंडेंट है, इस तरीके की बातें करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। नेक्स्ट है हमारा सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी का मतलब है सामाजिक डाइवर्सिटी। समाज में बहुत तरह के अलग अलग कल्चर होते हैं। आप इस सोशल डाइवर्सिटी को आप इकोनॉमिकल कंडीशन से भी देख सकते हैं, ठीक है। हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन डिफरेंट होगी, हमारी पॉलिटिकल कंडीशन डिफरेंट होगी, ठीक है। इसके बाद हम मतलब पॉलिटिकल कंडीशन डिफरेंट होगी, इकोनॉमिकल कंडीशन डिफरेंट होगी, इसके बाद हमारा ट्रेडिशन डिफरेंट होगा। तो सोसाइटी जैसे जैसे चीज़ों को कस्टम डिफरेंट होगा, ठीक है, हमारे तीज त्यौहार डिफरेंट होंगे, इन सब के होने के बावजूद भी हमारे अंदर क्या है, विविधता है और उसके बाद एकता भी है। नेक्स्ट है हमारा रेशियल। रेशियल वही जनजाति से रिलेटेड हो गया कि जनजाति वाली व्यवस्था है। तो भारत में बहुत तरह की जनजाति के लोग रहते हैं, और आपको ये भी पता है कि कैसे कैसे ये लोग इफेक्ट करते हैं हमको और कैसे कैसे चीज़ों को लाते हैं सोसाइटी में। और रिलीजियस का मतलब यहाँ पे धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड है, यानी कि कितने धर्म हो गए आपके, पता ही, आपको हिंदू पता है, मुस्लिम पता है, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख हो गया, ईसाई यानी कि क्रिश्चियन हो गया, ठीक, क्रिश्चियन हो गया, क्रिश्चियन धर्म हो गया, फिर इसके बाद आपका क्या आता है, बौद्ध मान लीजिए आप। तो ये क्या है, इन सब का अलग अलग रिलीजन है, बौद्ध क्या, जैन भी मान लीजिए, पारसी हो गए, तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं ये है। तो ये टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और इन चारों के आप नाम रख सकते हैं, कभी भी आपसे डाइवर्सिटी पूछा जाए तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ठीक है, कल्चर मतलब सांस्कृतिक हो गई, भाषाई हो गई, इसके बाद ये कास्ट डाइवर्सिटी यानी जाति विविधता, फिर ट्राइब डाइवर्सिटी यानी कि जनजाति, फिर बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता, फिर सोशल का मतलब सामाजिक डाइवर्सिटी होगी, रेशियल का मतलब भी जाति से रिलेटेड हो गया, ट्राइब से, इसके बाद रिलीजियस डेवलपमेंट यानी कि धार्मिक चीजों से। तो दैट इज मोर ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। आई थिंक आपको डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया, मीनिंग क्लियर हो गया होगा, और यहाँ पे मैंने डिटेल में टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी कर दी, डिस्कस कर दिया। तो देखिए, आप खुद देखिए कि इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी कहीं ना कहीं जो भारत की संस्कृति है वो एकता का चिन्ह यानी कि यूनिटी की बात करती है ना। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम यूनिटी की बात करते हैं, भारत यूनिटी का सिंबल शो करती है देखा जाए तो, इतनी सारी संस्कृतियाँ, इतने सारे धर्म होने के बावजूद भी, ठीक है, और उसमें भारत की संस्कृति में एकता के चिन्ह मिलते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर तरह के कलरफुल लोग रहते हैं ना, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना कल्चर है, और बहुत तरह के, अगर आप ट्रेडिशन की बात करते हैं, तीज त्यौहार में चले जाएंगे तो सबके यहाँ अलग अलग तरह के तीज त्यौहार मनाए जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं। तो ये भी क्या है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी किसी एंगल से खत्म नहीं कर सकते हैं। एंशिएंट टाइम में भी अगर हम बात करते हैं तो एंशिएंट टाइम में भी हमारा कल्चर बहुत बढ़िया था, वहाँ पर भी रंग बिरंगी संस्कृतियाँ देखने को मिलती थी, रीति रिवाज देखने को मिलते थे, भाषाएं, उनकी विशिष्ट अपनी यूनिक कल्चर, ये सब चीज़ें वहाँ देखने को मिलती थी। तो ये बहुत एक प्लस पॉइंट है इंडिया का, कि इंडिया में हर तरह के लोग मिलते हैं, और इसीलिए हम लोग इंडिया को बोलते हैं कि इतनी सारी विविधता होने के बाद भी जो भारत है वो एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी के स्लोगन को बहुत अच्छे से फॉलो करता है ना। तो आई होप आपको ये डाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी क्लियर हो गया होगा, मैंने काफी डिटेल में पढ़ा दिया है। और आप चाहेंगे तो इनमें से एक एक डाइवर्सिटी को उठा के डिटेल में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर आपसे पूछा जाए कल्चरल, लिंग्विस्टिक, कास्ट, कुछ भी, कोई भी एनीथिंग एल्स पूछ लिया जाए, तो आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पढ़ने में एंजॉय हुआ है तो आप लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको भी डेली नोटिफिकेशन मिलती रही और आने वाले वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे।
सो अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लोगों तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए, मोटिवेशन दीजिए. ओके, तो ये आज का वीडियो बस करते हैं, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी पे खत्म करते हैं. अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी से ही रिलेटेड, डिटेल में डाइवर्सिटी को पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, इसलिए मैं छोटे छोटे कंटेंट को उठा के पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, है ना. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा.